हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मशीन डिजाइन वन सब्जेक्ट, दैट इज MD1, है ना। तो MD1 में आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वार्टर जॉइंट, दैट इज स्पिगेट एंड सॉकेट क्वार्टर जॉइंट, है ना। तो क्वार्टर जॉइंट का आज हम लोग प्रॉब्लम लेने वाले हैं। आज जो हम लोग प्रॉब्लम लेने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में मई 2019 में 10 मार्क्स का पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना, जिसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले। ओके, तो चलो बिना देरी किए प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं यहाँ पे प्रॉब्लम का। देखो क्या बोल रहा है, डिजाइन ए सॉकेट एंड स्पिगेट टाइप क्वार्टर जॉइंट टू ट्रांसमिट द रिवर्सिबल लोड ऑफ 80 kN, है ना। तो लोड दिया 80 kN, सेलेक्ट द सुटेबल मटेरियल फॉर द वेरियस पार्ट्स। देखो और कुछ भी नहीं दिया हम लोग को, सेलेक्ट द सुटेबल मटेरियल बोला है। देन डाटा बुक से हम लोग को प्रॉपर मटेरियल सेलेक्ट करना है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेलेक्ट करना है, और उससे हम लोग को क्या होगा, डिजाइन ऑफ डाटा बुक से हम लोग को उस मटेरियल का यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगा, फिर उससे हमको उसके सारे के सारे परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यूज हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलो बढ़ते हैं प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग को दिया है उसका लोड दिया है ना, तो लोड दिया है दैट इज पी का वैल्यू दिया है 80 kN, है ना। तो 80 kN दिया है, सबसे पहले इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, 80 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, अब देखो, अब इसमें मेन थ्री पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉकेट, दूसरा होता है स्पिगट और तीसरा होता है क्वार्टर, है ना। और तीनों के तीनों पार्ट के लिए हम लोग सेम मटेरियल्स यूज करते हैं, तो एक ही मटेरियल हम लोग को यूज करना है। प्लेन कार्बन स्टील में हम लोग कोई भी वेरिएंट यूज कर सकते हैं डाटा बुक से, है ना। तो हम लोग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं सॉकेट स्पिगेट एंड क्वार्टर के लिए प्लेन कार्बन स्टील 45C8, है ना। तो 45C8 वाला मटेरियल हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, है ना। तो 45C8 के लिए हमारे पास डाटा बुक से SYT दैट इज यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 350 N/mm², है ना। ये वैल्यू हम लोग को डाटा बुक से मिल जाएगा। ओके, अब SYT मिल गया हम लोग को, यहां से अब हम लोग को अलायबल टेंसाइल स्ट्रेस, अलायबल शेयर स्ट्रेस और अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस, ये तीनों की वैल्यू हम लोग को निकालना है ना। तो उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 4, है ना, जो स्टैंडर्ड है वैल्यू है इसकी, तो 4 हम लोग यूज करने वाले। ओके, तो चलो अब हम लोग सबसे पहले अलायबल स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं। तो अलायबल स्ट्रेसेस इन टेंसाइल अलायबल स्ट्रेस σt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो दैट इज SYT कितना है हमारा, 350 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4। तो यहां पे अलायबल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 87.5 N/mm², है ना। अब उसी तरह से हम लोग अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या रहता है, 1.2 टाइम्स ऑफ SYT यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो देखो 1.2 इनटू अलायबल टेंसाइल स्ट्रेस कितना है हमारा, 350 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 4, है ना। तो अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो हम लोग को अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू मिल जाएगा 105 N/mm², है ना। तो ये मिल गया हम लोग को अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू। अब इसी तरह से अलायबल शेयर स्ट्रेस दैट इज टाउ का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अलायबल शेयर स्ट्रेस कितना होता है, 50% ऑफ SYT होता है ना। तो 50% मतलब क्या आ जाएगा, 0.5 × SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो देखो 0.5 × SYT का वैल्यू कितना है हम लोग को मिला है, 350 डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 4, है ना। तो देखो इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा 43.75 N/mm², है ना। तो देखो इस तरह से हम लोग को सारे के सारे अलायबल स्ट्रेसेस की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, है ना। तो अब प्रॉब्लम में डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सब में फर्स्ट स्टेप होता है हमारा टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, है ना। तो जो भी शाफ्ट है उसका डायमीटर हम लोग को निकालना है। डिजाइन ऑफ रॉड में देखो समय फर्स्ट क्या होता है, टेंसाइल फेल्योर और टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस इन द रॉड इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आता है, टेंसाइल स्ट्रेस σt इंड्यूस इन द रॉड इज इक्वल्स टू क्या रहता है, सिंपल पी बाय ए, है ना। वेयर ए क्या होता है, ए इज द एरिया ऑफ रॉड, रॉड का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सॉलिड सर्कुलर होता है ना। तो इसके लिए इसका क्रॉस सेक्शनल का फॉर्मूला क्या आ जाता है, पाई बाय 4 × d², वेयर d इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ओके, अब ये डायमीटर हम लोग को निकालना है, तो इसको इधर लेके आ जाओ ना, तो डायमीटर को इधर लेके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, d² = फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, p डिवाइड बाय पाई बाय 4 एज इट इज, ये σt इसके जगह पे आ जाएगा × σt। ओके, अब देखो d = क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लो, d² है, तो d = क्या हो जाएगा, p डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 × σt। ओके, अब सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, p की वैल्यू कितनी है हम लोग के पास, 80 N/10⁻³ डिवाइड बाय पाई बाय 4 × σt, σt का वैल्यू हम लोग को पता है 87.5, अलायबल स्ट्रेस लेना है 87.5, है ना।
सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग को डायमीटर ऑफ रॉड का वैल्यू मिल जाएगा 34.11 है ना, विच इज सम इक्वल्स टू 35 mm, इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ द रॉड की वैल्यू मिल गई हम लोग को यहाँ पे 35 mm है ना। तो अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज थिकनेस ऑफ क्वार्टर है ना। देखो थिकनेस ऑफ क्वार्टर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर टी से, तो टी हम लोग को मिलता है एम्पिरिकल रिलेशन से, टी इज इक्वल टू क्या होता है 0.3 टाइम्स डी है ना। तो मतलब 0.3 इंटू 35 है ना, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 10.5 है ना, विच सम इक्वल्स टू 11 mm है ना। तो देखो थिकनेस ऑफ क्वार्टर का वैल्यू मिल गया हम लोग को यहाँ पे 11 mm है ना। तो अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 3। तो उसमें हम लोग को निकालना डायमीटर ऑफ द स्पीकर है ना। तो डायमीटर ऑफ स्पीकर को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर D1 से है ना। तो ये थर्ड स्टेप है हमारा, लेटर D1 से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो लेटर जो डायमीटर ऑफ स्पीकर हम लोग को निकालना है, दो तरह से निकालना पड़ता है, इसमें टेंसाइल फेलियर भी होता है, क्रशिंग फेलियर भी होता है। तो बाय टेंसाइल लोडिंग एंड बाय क्रशिंग लोडिंग दोनों से हम लोग को डायमीटर ऑफ स्पीकर निकालना है, D1 की वैल्यू निकालना है, और दोनों में से जो वैल्यू लार्जर रहेगी उसको आगे हम लोग को सेलेक्ट करना है कैलकुलेशन। ओके, तो समय पहले निकालते हैं टेंसाइल फेलियर के लिए सिग्मा टी के लिए है ना। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पी डिवाइडेड बाय क्या होता है पाई बाय 4 इंटू D1 स्क्वायर माइनस D1 इंटू टी है ना। अब यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू पुट कर देते, पी का वैल्यू कितना है, लोड है हमारा 80 है ना, इंटू 10^3। ओके, डिवाइडेड बाय देखो पाई डिवाइडेड बाय 4 है ना, इंटू D1 की वैल्यू हम लोग को निकालना है माइनस D1 इंटू टी इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर का वैल्यू कितना मिला है 11 मिला है। सिग्मा टी की वैल्यू भी हम लोग को पता है अवेलेबल 87.5 है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हम लोग, देखो 87.5 इज इक्वल टू 80 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू D1 स्क्वायर माइनस D1 इंटू 11। ओके, अब इसको इधर लेके आ जाओ, यहां से हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा 87.5 ब्रैकेट में पाई बाय 4 इंटू D1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू D1। ओके, इज इक्वल टू क्या आ गया 80 इंटू 10^3। ओके, अभी 87.5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को पाई बाय 4 और 11 को, और इसको इधर लेके आ जाएगा तो हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगी है ना, मिल जाएगी। सॉल्व करने के बाद इसको क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा D1 स्क्वायर माइनस 14 D1 माइनस 1164.1 इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो देखो ये इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन के वैल्यूज हम लोग कैल्सी में पुट कर देंगे तो इजीली हम लोग को यहाँ पे D1 का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर यहाँ से भी आप D1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, शिफ्ट सॉल्व में डालो प्रॉपरली कैलकुलेट ब्रैकेट्स रखो तो D1 का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से D1 का जो वैल्यू मिलेगा हम लोग को वो रहेगा 41.83 है ना, विच इज इक्वल टू सम इक्वल टू हम लोग 42 mm मान लेते हैं। तो चलो टेंसाइल फेलियर में हम लोग को 42 mm का डायमीटर मिल गया डायमीटर स्पीकर का। अब ऐसे ही सेम हम लोग को डायमीटर निकालना है क्रशिंग के लिए। ओके, क्रशिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन क्वार्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्रशिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन क्वार्टर दैट इज सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या होता है पी डिवाइडेड बाय D1 इनटू टी। ओके, अब यहां पे हम लोग ये D1 निकालें तो D1 को इधर लेके आ जाओ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D1 को इधर लेके आओ तो D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी डिवाइडेड बाय सिग्मा सी इनटू टी। ओके, तो पी का वैल्यू है 80 इनटू 10^3 डिवाइड बाय सिग्मा सी की वैल्यू कितनी अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस निकाला हम लोगों ने 105। ओके, तो 105 इनटू थिकनेस ऑफ क्वार्टर इज 11। ओके, तो अब देखो ये सारा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग को D1 दैट इज डायमीटर ऑफ दिस फिगर का वैल्यू मिल जाएगा 69.26 है ना, विच इज सम इक्वल्स टू 70 mm। ओके, तो देखो D1 की हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू मिले, एक तो 42 और दूसरा 70 mm, तो लार्जर वैल्यू इज 70 mm, दैट्स व्हाई We are using 70 mm. We are preferring 70 mm diameter of this figure for further design. Okay, तो चलो बढ़ते हैं next step की तरफ, that is step number 4. तो step number 4 में हम लोग को निकालना diameter of this figure collar, that is D2 है ना, जिसको D2 से denote करते हैं हम लोग है ना। तो diameter of figure collar हम लोग को निकालना है D2. तो D2 में क्या होता है यहाँ पे, step number 4 that is diameter of this figure collar D2 हम लोग को निकालना है। तो क्रशिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन दिस विगट कोलर दैट इज सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या होता है सिंपल पी डिवाइडेड बाय पाई बाय 4, ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, जैसे हमारा सिंपल हॉलो सर्कुलर सेक्शन का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला रहेगा। यहां से हम लोग को D2 निकालना है, सिग्मा सी का वैल्यू हम लोग को पता है क्रशिंग स्ट्रेस कितना है 105 है ना। तो वैल्यू सारे हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, पी है हमारा 80 इंटू 10^3
डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू, देखो डी टू स्क्वायर माइनस डी वन का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला कितना 70, दो वैल्यू मिले थे 70 मैक्सिमम वैल्यू, उसको सेलेक्ट करेंगे। ओके अब देखो, अब यहाँ पे डायरेक्टली शिफ्ट सॉल्व में हम लोग डाल देंगे वैल्यू, तो यहाँ से D2 का वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे D2 का वैल्यू, दैट इज डायमीटर ऑफ दिस फिगर का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 76.62, है ना, विच इज सम इक्वल्स टू 77 mm, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज आवर स्टेप नंबर 5, दैट इज स्टेप नंबर 5 विच इज टू फाइंड द थिकनेस ऑफ दिस स्पिगट कोलर T1, दैट इज थिकनेस ऑफ द स्पिगट कोलर निकालना है हम लोग को, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर T1 से, है ना। तो थिकनेस ऑफ द स्पिगट कोलर T1 निकालने के लिए क्या होता है, जो स्पिगट कोलर होता है वो शेयर स्ट्रेस उसमें इंड्यूस होता है, तो शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन दी स्पिगट कोलर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, समय पहले पी डिवाइड बाय क्या होता है एरिया होता है ना। जब भी शेयर फोर्स आएगा, जब भी शेयर स्ट्रेस की बात आएगी, तो वहां पे जो एरिया होता है वो क्या होता है शेयर एरिया होता है ना। तो यहाँ पे शेयर एरिया क्या होता है, शेयर एरिया सिंपल पाई इंटू D1 into T1, पाई इंटू D1 मतलब क्या है, उसका सरकमफेरेंस है और उसकी जो थिकनेस है, जो इनसाइड थिकनेस है वो T1 है ना। तो इतना एरिया शेयरिंग में आएगा, तो ये शेयर एरिया आ गया है ना, पी डिवाइड बाय शेयर एरिया। तो हम लोग को निकालना है T1, तो T1 को इधर लेके आ जाओ, है ना। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाय पाई इंटू D1 इंटू टाउ। ओके तो पी का वैल्यू कितना है 80 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई इंटू D1, D1 का वैल्यू हम लोग को मिला था 70 mm, है ना, इंटू टाउ शेयर स्ट्रेस, अलाइबल शेयर स्ट्रेस कितना है 43.75। ओके अब ये सारा का सारा कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को थिकनेस ऑफ द स्पिगट कोलर का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 8.31 mm, है ना। देखो 8.31 विच इज सम इक्वल्स टू 9 mm, देखो थिकनेस ऑफ द स्पिगट कोलर दैट इज T1 का वैल्यू मिल गया हम लोग को यहाँ पे 9 mm। ओके तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज स्टेप नंबर 6, जिसमें हम लोग को निकालना है डिस्टेंस ऑफ द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द स्पिगट, है ना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर ए से, है ना। तो लेटर ए जिसको, जो हम लोग को निकालना है स्टेप नंबर 6 में, ये ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ए का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पता है कि शेयर फैल्यूर ऑफ द स्पिगट, है ना, डबल शेयरिंग में आता है वो, है ना। तो डबल शेयरिंग में आएगा, तो यहाँ पे टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर पी डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा शेयरिंग एरिया आएगा, है ना। और शेयरिंग एरिया भी कैसा है, डबल शेयर में, डबल शेयर में आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाता है, है ना। और एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा, D1 into A, है ना, वेयर A इज अननोन, जो हम लोग को निकालना है, है ना, एंड ऑफ द स्लॉट से स्पिगट तक का जो डिस्टेंस है वो A हम लोग को निकालना है। D1 into A इज अ बेसिकली शेयर एरिया, 2 क्यों लगाया, क्योंकि डबल शेयरिंग में इसलिए। ओके तो हम लोग को निकालना है बेसिकली A, तो A को इधर लेके आ जाओ, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी डिवाइडेड बाय 2 into D1 into tau, है ना। तो सारे के सारे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, 80 × 10³ डिवाइड बाय 2 इंटू D1 इज 70 और टाउ कितना है 43.75, तो 43.75। ओके अब सारा का सारा कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा 13.06 mm, है ना, विच इज सम इक्वल्स टू 14 mm, है ना। तो इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को 14 mm। ओके तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज स्टेप नंबर 7, जिसमें हम लोग को आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट निकालना है, दैट इज D1, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर D1 से, है ना। तो देखो आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट निकालने के लिए, D1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा डायमीटर ऑफ द सॉकेट D1 हम लोग को निकालना है ना। तो इसके लिए टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस इन दी D1 की वैल्यू हम लोग को देखना है, तो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी इंड्यूस इन दी सॉकेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय पहले पी डिवाइडेड बाय, अब जो भी एरिया उसका रहेगा वो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, टेंसाइल स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस के लिए क्या आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है ना। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिंपल पाई बाय 4 इंटू कैपिटल D1² माइनस स्मॉल D1² है ना। अब इसमें से जो थिकनेस है वो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, माइनस कैपिटल D1 माइनस स्मॉल D1 इंटू टी। फॉर्मूले में सारे के सारे वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना है, सिग्मा टी का वैल्यू कितना है, सिग्मा टी हमारा 87.5, ओके इज इक्वल टू पी का वैल्यू है 80 × 10⁻³ डिवाइड बाय देखो पाई बाय 4 इंटू कैपिटल D1 हम लोग को निकालना है, माइनस स्मॉल D1 कितना है, स्मॉल D1 है हमारा 70 का होल स्क्वायर, ओके माइनस कैपिटल D1 अगेन अननोन, माइनस 70 इंटू थिकनेस कितना है 11 है। ओके अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 80 7.5, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, पाई बाय 4
कैपिटल डी वन स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर माइनस, यहां पे देखो यहां पे डी वन माइनस 70 इंटू 11 ओके इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारा 80 इंटू 10 रेस टू पावर 3 ओके। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इसको, है ना, और इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा थोड़ा सॉल्यूशन करने के बाद, या फिर सिंप्लीफाई थोड़ा सा अच्छे से आपका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो आप यहाँ पे भी इसको शिफ्ट सॉल्व में डाल के डी वन का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है तो थोड़ा आगे स्टेप को लेके जाओ, ये स्टेप को कंप्लीट करो, इससे अंदर मल्टीप्लाई करो और वहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा तुम लोग, है ना। तो क्या मिलेगा इक्वेशन, कैपिटल डी वन स्क्वायर माइनस 40 डी वन माइनस 5083.70 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको थोड़ा कैलकुलेट करने के बाद आप लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगी फाइनली इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन मिल गई तो आपको डायरेक्टली सिंपल कैल्सियम मोड में जाना है, इक्वेशन में जाना है और वैल्यू सारे कोएफिशिएंट पुट कर देना, है ना। तो जहां से आप लोग को डी वन का वैल्यू मिल जाएगा 78.64, है ना, विच इज सम इक्वल्स टू 79 mm, है ना। अब ये स्टेप में देखो क्या होता है, इक्वेशन में कभी कभी नेगेटिव वैल्यू भी आती, नेगेटिव भी वैल्यू आएगी तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू यू हैव टू टेक, है ना। जो भी वैल्यू रहेगी नेगेटिव भी आया तो साइन को एलिमिनेट करो, पॉजिटिव वैल्यू को लेना है सिर्फ, ओके समझ में आया। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज आवर स्टेप नंबर 8 इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द सॉकेट कूलर, है ना। डायमीटर ऑफ द सॉकेट कूलर निकालना है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर D2 से, तो स्टेप नंबर 8 है हमारा, डायमीटर ऑफ द सॉकेट कूलर D2 निकालना है हम लोग को, है ना। तो डायमीटर सॉकेट का जो भी फेलियर होता है, क्रशिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द सॉकेट का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए, दैट इज सिग्मा सी, क्रशिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द सॉकेट क्या होता है, पी डिवाइड बाय क्रशिंग स्ट्रेस आया तो क्या आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आया, क्या है यहाँ पे D2 माइनस D1 इनटू टी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द कॉलर, है ना। तो हम लोग को निकालना है D2, है ना। तो सारे के सारे वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सिग्मा सी का वैल्यू कितना है 105, है ना। तो 105 इज इक्वल टू पी है हमारा 80 इंटू 10 रेस टू पावर 3 होल डिवाइड बाय D2 हम लोग को निकालना है, D1 है हमारा 70 इंटू थिकनेस है 11 ओके। अब ये D2 माइनस D1 को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, D2 माइनस 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 इंटू 10 रेस टू पावर 3 डिवाइड बाय ये 11 एज इट इज 105 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ओके। अब D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू सिंपली ये सारा ब्रैकेट में लिख दो 80 इंटू 10 रेस टू पावर 3 होल डिवाइड बाय 11 इंटू 105, है ना। ये माइनस 70 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 70, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे D2 डायमीटर ऑफ द सॉकेट कॉलर का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 139.26 mm, विच इज सम इक्वल टू 140 mm, है ना। तो इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को 140 mm ओके। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज आवर स्टेप नंबर 9 एंड जिसमें हम लोग को निकालना है थिकनेस ऑफ द सॉकेट कूलर, है ना। तो थिकनेस ऑफ द सॉकेट कूलर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर C से, थिकनेस ऑफ द सॉकेट कूलर, दिस इज आवर स्टेप नंबर 9 इन विच वी हैव टू फाइंड आउट थिकनेस ऑफ द सॉकेट कूलर, सी की वैल्यू हम लोग को निकालना है, जिसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन द सॉकेट कूलर, है ना, विच इज बेसिकली डबल शेयर स्ट्रेस, है ना। तो डबल शेयर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू क्या रहेगा, फॉर्मूला P डिवाइड बाय 2 आ जाएगा डबल शेयर के लिए, है ना। अब यहाँ पे आएगा शेयरिंग एरिया, है ना। तो शेयरिंग एरिया के लिए क्या है फॉर्मूला, D2 माइनस D1, है ना, इनटू C, है ना। ये हो गया शेयरिंग एरिया का फॉर्मूला, 2 लगाया क्योंकि डबल शेयरिंग में है और फोर्स तो हमारा एज इट इज रहेगा। C को इधर लेके आ जाओ तो C निकालना हम लोग को, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू D2 माइनस D1 इंटू क्या आ जाएगा टाउ, ओके। सारे के सारे वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, P है हमारा 80 इंटू 10 इंटू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, D2 का वैल्यू अभी निकाला था हम लोगों ने 140, D1 है 70 इंटू टाउ कितना है, टाउ है 43.75 ओके। तो यहाँ पे पुट कर दो 43.75 की वैल्यू पुट कर दो ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉपरली हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को सी दैट इज थिकनेस ऑफ द सॉकेट कॉलर की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी 13.06 विच इज सम इक्वल्स टू 14 mm, है ना। ये वैल्यू सेम है ए के, है ना, एंड ऑफ दिस शॉफ्ट टू द एंड ऑफ दिस पैकेट तक का जो वैल्यू निकाला था ए का वैल्यू, हम लोग उसका वैल्यू इसका वैल्यू सेम है ओके। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज आवर स्टेप नंबर 10 जिसमें हम लोग को निकालना है विड्थ ऑफ द क्वार्टर, है ना, विच इज आवर फाइनल स्टेप जिसमें हम लोग को विड्थ ऑफ द क्वार्टर निकालना है। तो हमारा बेसिकली शेयर और बेंडिंग दोनों भी लोड उसके ऊपर आते हैं, शेयर फेल्योर के लिए भी हम लोग को विड्थ निकालना है क्वार्टर का और
बेंडिंग फेल्योर के लिए भी विड्थ निकालना है क्वार्टर का, और दोनों में से जो मैक्सिमम विड्थ रहेगा उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं डायरेक्ट शेयर फेल्योर के लिए विड्थ ऑफ द क्वार्टर निकालते हैं। तो चलो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 10, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट दिस विड्थ ऑफ द क्वार्टर, जिसको हम लोग नोट करेंगे लेटर बी से, है ना। दो बार निकालना है, सबसे पहले निकालना है शेयर फेल्योर के लिए, तो शेयर स्ट्रेस के लिए निकालना है। तो शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन द क्वार्टर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी डिवाइडेड बाय, अब ये यहाँ पे आएगा शेयर एरिया। क्वार्टर भी हमारा डबल शेयरिंग में आता है, डबल शेयर स्ट्रेस आता है उसके लिए, इसके लिए यहाँ पे टू आ जाएगा। और शेयर एरिया क्या रहेगा, बी इंटू टी, है ना, विड्थ इंटू थिकनेस। अब हम लोग को निकालना है बी बेसिकली, तो बी को इधर लेके आ जाओ, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाय टू इंटू टाउ इंटू टी। पी का वैल्यू है 80 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाउ का वैल्यू कितना है 43.75 है, राइट है, इंटू टी दैट इज थिकनेस ऑफ द क्वार्टर कितना है 11 mm है ना। तो अब ये सारे के सारे वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को विड्थ ऑफ द क्वार्टर का वैल्यू मिल जाएगा 83.11 mm, विच इज सम इक्वल्स टू 84 mm हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो 84 mm मिल गया हम लोग को फर्स्ट थिकनेस, फर्स्ट विड्थ का वैल्यू क्वार्टर के मिल गया, है ना। अब हम लोग को सेकंड विड्थ निकालना है फॉर बेंडिंग फेल्योर, है ना, बेंडिंग स्ट्रेस जो उसके ऊपर एक्ट होने वाला है ना। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को बेंडिंग मोमेंट, है ना, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम का वैल्यू हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम एक्टिंग ऑन द क्वार्टर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम एक्टिंग ऑन द क्वार्टर इज इक्वल टू क्या होता है, बल पी बाय टू इन ब्रैकेट कैपिटल डी डी टू माइनस डी वन डिवाइड बाय 6 प्लस डी वन बाय 4, है ना, ये ब्रैकेट क्लोज है ना। तो यहां से हम लोग को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, तो चलो वैल्यू पुट अप कर देते सारे के सारे। पी है हमारा 80 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाय 2, है ना। कैपिटल डी टू का वैल्यू कितना है 140 है, डी वन है हमारा 70 डिवाइड बाय 6, है ना, इसको अलग ब्रैकेट में पुट कर दो। प्लस डी वन कितना है अगेन 70 डिवाइड बाय 4, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सारा का सारा कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा 11.667 इंटू 10 पावर 5, है ना, न्यूटन mm, ये मिल गया हम लोग को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, है ना। अब हम लोग को बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग को निकालना है सिग्मा बी का। तो वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास फ्लेक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, है ना। तो ये ई बाय आर हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को इतना चाहिए एम बाय आई सिग्मा बी बाय वाई चाहिए, है ना। तो एम हम लोग को क्या निकालना है, सिग्मा बी निकालना है, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बाय आई इंटू वाई, है ना। तो देखो एम की वैल्यू हम लोग को पता है, आई और वाई की वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखो तो एम इंटू वाई क्या रहेगा, वाई रहेगा बी बाय टू, है ना, वाई रहेगा बी बाय टू, और आई क्या रहेगा, आई इज नथिंग बट टी इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब टीबी क्यूब बाय 12 को ऊपर लेके चले जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम इंटू बी बाय 2, है ना। अब टीबी क्यूब को एज इट इज रखते हैं हम लोग यहाँ पे टीबी क्यूब को, और ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो इधर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 12, है ना। तो देखो 2 6 12, ओके, यहाँ का ये बी और यहाँ का एक बी चला गया, है ना। यहाँ पे आप देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू 6 डिवाइडेड बाय टी बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हम लोग को निकालना है बेसिकली बी का वैल्यू निकाल, तो बी को इधर लेके आ जाओ, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6m डिवाइडेड बाय टी इंटू सिग्मा बी। अब यहाँ पे सिग्मा बी मतलब भी टेंसाइल स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे सेम है, है ना। तो देखो बी इज इक्वल टू क्या, अभी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, है ना। तो देखो अंडर रूट क्या करना है हम लोग को, 6 इंटू एम का वैल्यू कितना है 11.667 इंटू 10 टू पावर 5, है ना, होल डिवाइड बाय थिकनेस है 11 इंटू सिग्मा बी, मतलब ही टेंसाइल स्ट्रेस है विच इज 87.5, है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो 87.5, ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो विड्थ का हम लोग को सेकंड वैल्यू इन बेंडिंग फेल्योर में विड्थ का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 85.28, है ना, विच इज सम इक्वल्स टू 86 mm, है ना। तो ये 86 mm हम लोग को सेकंड विड्थ का वैल्यू मिल गया। अब देखो पहला वाला वैल्यू मिला था हम लोग को 84 और ये मिला 86, तो बिगर वैल्यू कौन सा है 86 है। तो हम लोग को डिजाइन के लिए क्या यूज करना है, 86 mm का क्वार्टर का विड्थ हम लोग को रखना है नॉमिनल विड्थ, ओके।
तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे स्टेप खत्म होते हैं और प्रॉब्लम भी हमारा पूरा खत्म हो जाता है ना। तो देखो प्रॉब्लम समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।